मैम सबसे पहले तो बुक के बारे में हमारी ऑडियंस को बताया कि किस तरह की बुक है और क्या इंस्पायर्ड किया आपको ये बुक लिखने के लिए। सो ये एक्चुअली पोइट्री बुक है एंड इंस्पिरेशन मुझे बहुत लोगों की लाइफ से मिली है, मेरी खुद की लाइफ से मिली है, काफ़ी सारे क्लाइंट्स जो हैं उनकी लाइफ से मिली है एंड मुझे हमेशा एक ज़्यादा ईजी रहा है राइटिंग करना रादर देन बोलना। सो ये सारे मेरे इमोशंस या जो लोगों के इमोशंस हैं जो मैंने कैप्चर किए हैं, इट्स ऑल इन वर्ड्स इन पोइट्री। राइट, तो यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज आने वाले हैं तो क्या उनको भी आपकी पोइट्री सुनने का मौका मिलेगा या फिर सिर्फ पढ़ने का मौका? नहीं, मैं ज़रूर एक पोएम स्पीक करूँगी एंड आई होप आप सबको अच्छी लगे। राइट, तो इसके अलावा इस बुक में मतलब कौन सी किस तरह की बुक आप लिखना पसंद करेगी या फिर ऐसी कोई बुक है जो सेलिब्रिटी के ऊपर लिखी जाए या फिर? एक्चुअली मुझे लगता है कि जितनी भी बुक्स होती हैं सब बहुत अच्छी होती हैं बिकॉज़ हमेशा जो लिखने वाला इंसान होता है वो हमेशा एक अपने खुद के मकसद से लिखता है एंड जो रीडर होता है वो उनको यू नो पहुंचने की कोशिश करता है। सो ऑब्वियसली सारी बुक्स अच्छी हैं एंड मैं नेक्स्ट टू बुक्स ऑलरेडी आई एम वर्किंग ऑन देम, फिक्शन है एक, नॉन फिक्शन है, तो आई होप कि इसी तरह का बढ़ावा एंड सहारा मिले एंड आई होप आई कैन ऑल्सो प्रोग्रेस। मुझे लगता है अगर मैं कभी भी बायोपिक या स्टोरी लिखूंगी तो इट्स गोइंग टू बी माई डैड बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ बाई हिम एंड उनकी काफ़ी रैग्स टू रिचेस स्टोरी है और मैं हमेशा बहुत ही एक प्राउड डॉटर रही हूँ। सो आज मैं जहाँ पर हूँ जो हूँ इट्स बिकॉज ऑफ हिम एंड इट्स नॉट ओनली हिम, ऑब्वियसली हर एक इंसान जो मेरी लाइफ में है स्पेशली माई हस्बैंड एंड मतलब अगर कुछ मुझे डेडिकेट करना है तो आई वुड डू टू दैट। सो बहुत सेलिब्रिटीज़ बट बहुत आम लोग होते हैं जिनकी लाइफ से हमें इंस्पिरेशन मिलती है, तो अगर मुझे किसी से भी इंस्पायर होना है तो आई थिंक कोई भी आप ले लो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्पेशल होता ही है। मैम आपको इस बुक के लिए, इस प्लान के लिए आपको कैसे आपको लगा कि ये प्लान आपको कुछ करना चाहिए स्टोरी के बारे में? मैंने एक्चुअली बहुत ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था कि मुझे एक तरह का कुछ करना है, मुझे ये मालूम था कि मुझे क्या करना है एंड धीरे 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 आई थिंक समवेयर द यूनिवर्स ऑलवेज हेल्प्स एंड लोग जुड़ते जाते हैं, साथ में आइडियाज़ जुड़ती जाती हैं और एक जो छोटी सी चीज़ या एक छोटी सी सोच होती है जो शुरू होती है वो एक्चुअली जब आखिर में बनती है इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। सो इसमें बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है बहुत लोगों का, इलस्ट्रेशंस राज ने किए हैं बहुत ब्यूटीफुल हैं, कवर बुक बहुत अच्छी है एंड पब्लिशर का बहुत सपोर्ट रहा है एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा मेरी फैमिली का सपोर्ट रहा है। सो इट्स बिन वंडरफुल, थैंक यू। सोनाली को मैं जानती हूँ अब 2 सालों से और हर सन स्टडीज़ विद माई डॉटर एंड हमेशा से ये इंक्लाइंड रही हैं टूवर्ड्स लाइफ एम्पावरमेंट अबाउट चेंजिंग लाइव्स एंड मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ उनकी किताब से। इट्स अबाउट पर्सपेक्टिव, मैजिक इज ऑल अराउंड अस एंड मोस्ट ऑफ ऑल मैजिक इज विद इन अस when we can see and feel and even slightly touch upon those particles of magic within, there's a fire show all around us. Everything is surreal, everything is magic, and each one of us is that magic.
and it goes on. It is about empowerment, and hamesha se Sonali has stood for that. Teen bachon ki maa hai, sport enthusiast hai, volleyball team mein hai, ab kitab likh rahi hai, classes karti hai. So there is a magic within her, and each one of us needs to find that magic. I'm very proud to know you, and I wish you lots of luck. So get this book if you want to go and, you know, learn a little more about that magic. Thank you. बहुत ब्यूटीफुल किताब लिखा है सोनाली गुप्ता ने, और जैसे कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, सब लोग जानते हैं, मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण रही है, तो अब मैं इस कविताओं से अपने आप को बहुत रिलेट कर पाया हूँ, बिकॉज आई थिंक एवरीबडी इज़ हंगर ऑफ लव, और उन्होंने हर ह्यूमन के एस्पेक्ट्स को बहुत ब्यूटीफुली टच किया है, वेदर इट इज़ लव, वेदर इट इज़ फ्रेंड, वेदर इज़ अ फैमिली, वेदर इज़ अ रिलेशनशिप. आई वॉज नॉट, एंड बेस्ट पार्ट इस किताब का ये है कि जिस तरह से उन्होंने इन कविताओं की रचना करी है, लिखा है, वो बहुत सिंपल भाषा में लिखा है, एक दर्जा आर्ट का स्टूडेंट भी उसकी मीनिंग समझ सकता है, और हर एक स्टैंजा में एक डीप मीनिंग छिपी हुई है. तो आई रियली विश सोनाली वेरी गुड लक, एंड मैं चाहूँगा सोनाली जैसे कई कलाकार ऐसे उभर के ऐसी कविताएँ को लिखें, बिकॉज सी आई टेल यू आई गो, हम लोग दिनचर्या में बहुत ज़्यादा ही संघर्षपूर्ण लाइफ बिताते हैं. वी आर ऑल वेरी डिप्रेस सोल इन आवर ओन वे. लोग कहते हैं कि जो भी इंडस्ट्री में 90% लोग बाइपोलर हैं. सो डेफिनेटली आई थिंक इस कविताओं को पढ़ के हमको एक हौसला मिलता है, एक खुशी मिलती है, एंड इट्स जस्ट लाइक दैट वी डोंट नीड मेडिसिन, वी नीड बुक्स लाइक दिस टू रीड, विच सो सिंपल. जो एक आप फ्लाइट में बैठोगे तो एक पूरे रास्ते में खत्म हो जाएगा, आपका पूरा निकल जाएगा रास्ता. और बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने दर्शाया है रिलेशनशिप के बारे में, जैसे प्यार ना औरत है ना पुरुष है, लव इज़ अ प्योर फॉर्म, एनीबडी कैन फॉल इन लव विद एनीबडी. आई हैव गॉन थ्रू अ वेरी बैड ब्रेकअप कपल ऑफ मंथ्स बैक, एंड आई थिंक दिस बुक इज़ रियली इंस्पिरेशनल टू एवरीबॉडी. जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग बहुत ज़्यादा ही संघर्षपूर्ण जिंदगी बिताते हैं, तो डेफिनेटली आई कैन रिलेट टू फ्यू पोएम्स आर रियली क्लोज टू मी. जैसे इन्होंने एक सेल्फ लव के बारे में लिखा है कि आप अपने आप को प्यार करो, हाउ इम्पॉर्टेंट अ वन ह्यूमन बींग इज आई थिंक सो कपल ऑफ पोएम्स हैव रियली टच्ड माई हार्ट. वो तो मेरे को पूरी इंडस्ट्री की सोनम कपूर कहते हैं, तो आई थिंक दिस इज माई स्टाइल. आई एम वेयरिंग खादी हैंड वोवन, बिकॉज सिंस कविता का एक वो है, तो मैं एक सिंपल कपड़ों में आया हूँ, कॉटन में, तो मैं वीव्स ऑफ इंडिया को इस टाइम प्रमोट कर रहा हूँ इस टाइम. सो इट्स खादी गांधी जी का, तो डेफिनेटली आई थिंक देखिए इन्होंने भी कॉटन पहना हुआ है, वीव्स पहना हुआ है, तो आई थिंक ऐसे ओकेजन के लिए यही कॉस्ट्यूम बेस्ट था. I don't think so. I would not like to comment on this platform. We are here to come and support Sonali. Please, I will request media to not to ask us questions. Yeah, thank you very much. Thank you so much. Thank you very much. Use some space.
Yeah, so hi guys. My name is Jitesh Talwari from KP Jewelers, and we're actually here to launch a new collection of designer jewelry, Shania Kapoor collection. So this is Shania Kapoor collection. Hi. And she's a very good friend of mine, and her ideas, her knowledge, her expertise about diamond jewelry has really helped us create this line, especially the prices, the look, the designs are fantastic. So yeah, Shania. Yes, so we have actually looked into the modern day-to-day wear for the women of these days, the women of today. So that is what we had in mind, I mean, when we designed the entire thing. So me, along with Jitesh, we both, you know, pulled in our ideas she's together. She's fantastic. She's been too good for us. And we're doing very well after affiliating with her. Thank you. What do you want to say about the collaboration between Jewelers and Sonali? So she's a very good friend of ours. And since she was doing her book launch, and we wanted to launch our collection, Shania Kapoor collection by KP Jewelers, so we decided, you know, as friends, why not do it together? So I think this should be the future trend, you know, people getting together, you have something to launch, I have something to launch, make it big and go for it. Absolutely. Yes. देखिए आज बहुत ही बढ़िया ओकेशन है सोनाली की बुक लॉन्च हो रही है एंड इट्स एन अमेजिंग बुक फॉर द सिंपल रीजन यार इट्स अबाउट लव एंड लाइफ लाइफ के दो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होते हैं लाइफ इट्सेल्फ एंड लव तो हर कोई इस दौर से गुजरता है एंड आई थिंक इट्स अ बिग हेल्प आई थिंक सोनाली ने सारे इंडेक्स कवर किए हैं बी बिट्रेयल बी हेट बी लव बी होप तो आई थिंक इट्स गोना बी अ ग्रेट बुक मैं तो अपनी कॉपी आज ग्रैब करने वाला हूँ एंड आई होप एवरीवन गेट्स दिस कॉपी एंड इट बिकम्स अ सुपर डुपर हिट फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज अ फैंटेबुलस राइटर मैं आई नो हर वेल बट आई एम हियर बिकॉज आई रियली बिलीव इन द बुक जितना भी मुझे बुक के बारे में पता चला व्हाटएवर आई हैव रेड एंड इज ब्रिलियंट आज अपनी पूरी कॉपी लूँगा प्रॉपर कॉपी लूँगा और मैं पूरा पढ़ के देन But yes, she's a fantabulous human being. She's a very evolved person. And she knows, she's seen a lot. So I think wo kuch bhi likhegi, bahut hi badhiya likhegi. And I think the book would do all the talking than us, right? So is there any upcoming project you would like to share? See, right now, last year, mera Vikram Bhatt ka Maya was super hit. Then I did a Star Plus show called Aram. बहुत जल्दी अभी कल ही कुछ साइन करने वाला हूँ और अभी नहीं बोल सकता बिकॉज आपको पता होता है बट नेक्स्ट वीक इल बी इन द मीडिया जी आई थिंक हम लोग सब फेजेस से जाते हैं और लाइफ इज ऑल अबाउट फेजेस आई थिंक वी इवॉल्व विद एक्सपीरियंसेस तो मैं इतना बोलना चाहूँगा कि मैं अभी भी इवॉल्व हो रहा हूँ और शायद ये बुक पढ़कर और ज़्यादा इवॉल्व हो जाऊँगा All the cabin people like it. What's your take on the title? It's a brilliant title. I think Sonali has come up with a brilliant title for this situation. As I said, it covers all the cabin here. Life in between, in love. But we all go through all this chapter of life from falling in love. I'm here. चलो रोल रोल ऊपर रेडी
Firstly, I'm really very happy and I congratulate Sonali because trust me, this is, you know, faith. I had to be her because I was supposed to go for my, you know, camp in Bhopal because of my karate thing. But I think it's destiny that I had to be here, and the destiny says that a lovely book in between life and love, everything that happens, and I witnessed that, and she's witnessed that, and she's beautifully put in the book, and you all got to read that. I've read it, and today we're going to discuss it, and we're going to celebrate it. मुझे लगता है हर एक हिस्सा जो इन्होंने लिखा है सभी के लाइफ से रिलेट करता है क्योंकि हम कहीं ना कहीं सभी उस दौर से गुजरते हैं प्यार ज़िंदगी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव आई थिंक वी ऑल गो थ्रू दिस यू नो इमोशंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स एंड शी इज़ ब्यूटिफुली कैप्चर्ड ऑल ऑफ इट एंड ऑफ कोर्स द डिग्रीज डिफर एंड समबडी हु राइट्स इट इन अ पोएट्री फॉर्म आई थिंक इट्स इवन मोर ब्यूटिफुल थैंक यू सोनाली First of all, I'm thankful to Sonali and Shaina. Second of the thing, ki I'm really happy for the big achievement of them. Thirdly, ki aaj Baisakhi bhi hai aur Akshaya Tritiya bhi aane wali hai. So, main unko wish karna chahungi. Inki jo shuruaat hui, bahut achhe din hui, shubh din hui aur Bhagwan ne aur bhi zyada kamyabi di. Ye meri tahe dil se inke liye wish hai. Sonali ke saath kis tarah ki bonding hai aur book ke bare mein kya kehna chahiye aur मतलब उनकी कोई पोएट्री आपने सुनी हो अगर ऐसी कोई मेमोरी अगर आप शेयर करना चाहें या मैंने इनके कुछ ऊपर वाले प्रीफेसेस पढ़े थे अभी जस्ट वहाँ पर तो मुझे एक डिफरेंस ज़रूर लगा है कि लव लाइफ इन बिटवीन एवरीथिंग तो आई गेस सो कि लड़कियों की लाइफ में ये ज़्यादा होता है तो आई एम रियली एग्री विद हिम आई रेड समथिंग इनसाइड इट एंड समथिंग दैट्स रियली स्ट्रक मी इज What Sonali is questioning about self-love. कभी कभी हम अपने आप को प्यार करते हैं लेकिन हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ये selfish है कि अपने आप को प्यार करना तो ये जो चीज़ है सोचने वाली this dilemma कि if it's selfish to love yourself or is it okay to love yourself. तो ये चीज़ मेरे को एकदम दिल को छू गई जो मैं डिस्कस भी करी थी सोनाली से तो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है और भी मुझे पढ़ने का बहुत मन था बट आई थिंक आई गो होम एंड रीड द बुक So we both worked together in a Star Plus show called Ek Aastha Aisi Bhi. I was Aastha in it and she was the main villain. So abhi ye jodi filhal to temporary phase mein hai. But hopefully I'll do a color show next. So let's hope for the best. Yeah, abhi auditions, meetings, look test, screen test ho rahe hain. Soon, I think sab TV ke liye jaldi aayega. Abhi disclose nahi kar sakti. And this is the first time main kisi ko bata rahi hu. Thank you. Yes. सबसे पहले तो आपके क्लोथ्स के बारे में कुछ बताएं क्योंकि हमेशा से आप डिज़ाइन के लिए जाने जाते हैं मैंने अभी दो कलेक्शंस लॉन्च किए हैं पर लेकिन आज मैं जिनके लिए आई हूँ उनके बारे में बताती हूँ पहले तो मैं एक तो मेरी फ्रेंड सोनाली गुप्ता के लिए आई हूँ जिनको मैं बहुत सालों से जानती हूँ और इनकी बहुत ही खूबसूरत बुक जिसका मैंने थोड़ा बहुत रीड किया है लॉन्च हुई है जो मैं आज इनसे साइन कॉपी लूँगी और इन्जॉय करूँगी सो इट्स अ वंडरफुल बुक फ्रॉम ऑल द लिटिल थिंग्स आई हैव रेड एंड आई थिंक सबको ये बुक लेनी चाहिए और रीड करनी चाहिए एंड इसके साथ जो एसोसिएटेड हैं वो मेरी दूसरी बहुत डियर फ्रेंड जिनके साथ मैंने बहुत काम किया ये हैं शानिया कपूर
और जो के पी ज्वेलर्स से एसोसिएटेड हैं, और उन्होंने एक लाइन लॉन्च की है, शानिया कपूर फॉर द शानिया कपूर लाइन ऑफ ज्वेलरी। तो ये मेरी फ्रेंड शानिया कपूर, जिन्होंने पूरी एक लाइन लॉन्च की है ज्वेलरी की उनके साथ। तो ये है मेरी दूसरी फ्रेंड, सो बोथ फ्रेंड्स स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, एंड सो आई लाइक टू टॉक अबाउट बोथ ऑफ देम टुडे। उनका दिन है। Yes, so Archana and me, can I speak in English? Yeah, no problem. Archana and I have worked together. I've helped curate her events, her outfits, and she's a wonderful person to work with. I mean, that is why she's here today, and I'm so happy to have her support me. It means so much. Yes. Ma'am, iske alawa jaise summer season chal raha hai, to kya things lena chahenge aur aisa koi collection hai aapke? हमारा पूरा वाइट का कलेक्शन लॉन्च हो गया है, तो प्लीज़ आएँ सब लोग और देखें वो कलेक्शन, और समर सीजन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाइड्रेट योरसेल्फ, हैव लॉट्स ऑफ वाटर। थैंक यू। आई मस्ट हैव बीन अ डर्विश फ्रॉम टर्की इन अनदर लाइफ टाइम। आई टोटली डिस्कवर माय सोल थ्रू डांसिंग, एंड सोनाली इज ऑफ कोर्स 10 स्टेप्स मोर देन दैट। आई डोंट नो व्हाट इज इट दैट शी मैनेजेस in her life that she can do 15,000 things. How do you do it? God knows. But congratulations on your book, on your beautiful poetry, and having the might of the pen. Can you please share a few words with us? So thank you, multitasking, always. I think I would have got very bored if I did just one thing in my life. So it's just wonderful to be able to do a lot of things. A lot of credit goes to a whole lot of people who made it happen for me, which of course begins with family and then a whole lot of friends. So thank you very much for me to be on this platform. And I'm extremely, extremely grateful to all of you present here for even making this happen to me. So thank you so much. You want to tell us about how you managed to write poetry, and the book has all age groups' thoughts in it. What is this? Have you been writing this since you were a little kid? So, you know, the writing has come in really easy. It didn't take me right to pen down the poems. I think to publish it into a book and come here today is what has been a greater learning and a greater process, and I'm so glad that I have gone through all of it, because it's been absolutely fun and it's been the greatest growing for me in my life. Well, thank you for having those heartfelt sentiments poured out into a book and bringing it out and sharing it to the world. There's something we're trying to get rid of, ladies and gentlemen, from society, which is plastic, but there is a man who will ensure maybe that you probably inject it into your system and probably make you look beautiful and not anyone know. Dr. Amod Rao, may I please call upon you first upstage? Maybe you don't even do all that kind of stuff, but I must say you're very handsome yourself. How are you, sir? Thank you very much. Are you looking forward to the discussion, and you're going to bust some myths about what is beauty and being love for beauty all about? I think it's all about love, so let's talk about that. Oh, lovely. All right, and someone who's going to evoke a lot of love, Sandhya Shetty, model, actor, compere. I don't know, God knows what all this, lots more to highlight, but when saliva touches you, you are all gold yourself, darling. How are you? I am very, very, very good. Are you fighting for love? Jaise aap karate karte ho, do you think you have to fight for love? I think I fight for everything, because when you deserve something, you gotta grab it. Alright, somebody I've had the pleasure to actually design a website for, whose designs are ethereal, and I think somewhere I feel there is a motion of poetry and dance in it. I think your eyes say it all. It just shows that your creation has to be beautiful. Rohit, please join me right here. I love what you're wearing. How does it feel to be part of this book that I believe you've lapped up? Aap kitna jaldi padhte ho yaar? I only read a couple of poems, I think I can relate to it. I think it's beautifully written. And totally resonate with us, right, in our times? Exactly. Don't you think it's got all age groups encapsulated into one book? Yes, exactly. And I could relate, because it's about love, it's about relationship. So yes. And we are fellow Scorpios, we are like passionate from the core. Yeah, and my last panelist for today, Mrs. Pinky Raigarya. She's the mountain girl. She's Mrs. Asia Universe 2017. A very traditional girl, but has probably a universal spirit. And my God, I can't believe she lost 30 kgs after having that first child and having won this title. So I love you. You know everything about me. Well, I better do my job well, yeah? Thank you and welcome, and you're gorgeous. Thank you so much, Mrs. Sonali Gupta, for giving me this honor. I wanted to convey one small message to each one.
I think this saying would go perfectly apt for Sonali. Manzile unhi ko milti hai, jinke sapno mein jaan hoti hai. Pankh se kuch nahi hota hai, hausle se udaan hoti hai. Thank you so much, Sonali. I'm grateful to you. Thank you so much. Can we request all of you to take your seats and then we can start this discussion? Love is something that is very selfless. It is something that we feel for everybody without wanting anything back. And especially something that we feel for our kids and our family and our friends. And how I manage to keep it, because I don't complicate things too much. I don't stand on judgment on everything. I think people stand on judgment on everything and complicate things. I left. Yeah, so basically that. Called unconditionality. Difficult to do when you're in the medium of fashion and glamour. Are you telling me you don't judge people by their clothes? I don't judge people for what they are. I think because people waste so much time, as soon as they see someone, they make a whole balance sheet of that person and then they look at that person in a different way. So that's something I don't do. Bless you, Archana. Thank you so much for being so lovely and so pure despite so many things that you have to do in your everyday life which kind of corrupt you and your thoughts, you know. Oh, thank you. All right, I have my very dear friend Tamanna's mom who inspired me when I think I want to begin this with a bit of Sonali and then go into the rest. So you have the mic on you, right? You're mic'd up. Are you mic'd up? No? That's what I thought was happening. Can we have one mic at least in the meantime? Okay, maybe I'll hand over the mic to you, Sonali. Let's begin with you telling us, not about poetry, but about how you've deciphered life. Life is a never-ending mystery, right? But you've still almost encapsulated, like you've got it in this book. Is that what you're trying to say? I really wouldn't say I've been able to put it. So I wouldn't really say that I've been able to put everything in because I'm still growing, I'm still learning. And whatever it is that I have seen of life and love and everything in between in all my years, and not only mine, of my friends, of my family, of the clients that I see, I think it's just been growth. And more than that, a whole lot of reading, because I've read so many books. I have, every movie inspires, every creation inspires, every dress, whether it's a flower, whether it's a plant. I think creation inspires. Okay, now very inappropriate question to ask to a married woman who has three children and she looks like that, how much one must hate her. But Sonali, honest to God, does a woman, a human being, after they are married and have children, does the right of falling in love go away? Does she have to fall in love with the same man she's married to over and over? How do you write those inspired pieces? What are you doing? Are you living out of your own body and like vicariously living through your friends? What are you doing? You know, I truly believe there is absolutely nothing that's not possible. It's just that... No, no, hold on. So are you saying you are falling in love with people? I think I fall in love with almost everybody I meet. We're talking about love, love. Now maybe I'm just being a bit specific right now. So you're talking about romance? Yes. Because a lot of your book has a lot to do with being torn and being broken down and being in pieces. Now don't tell me you're talking about just your husband here. I know it's a very defined phase I'm going to, but I'm going to break this. I think all of those, the ones about romance are about him. Oh my God, she has just one man in her life. That's what she's saying. Do you believe her? Rohit, kya baat kar rahe ho? Aap big boss mein the? Are you sure? Ye wrong number lag gaya hai kahin. Okay, so here's the question. Do you think a lady or a man can fall in love? And they can, right? That's human. Of course. After marriage as well. And why I'm asking that to Sonali is purely because I thought a book was very reflective of a young and passionate lover. So go for it. It's a bit of the relationship, I believe. You know? But this is a wrong question to a wrong person. Sandesh should be asking, you know, answering, or Amos should be answering this. Because every night I fall in love with a man. Oh my God! Next morning I divorce him. Oh my. Okay, so here's. I'm a wrong candidate for this question. So, oh no, no, you're not. In fact, you're just right. I've always asked my gay friends,
why is it so difficult for them to be monogamous? What is the deal with that? I think mentality of the society, acceptance, the people like you who embarrass us over your city. Why do I embarrass you? I love you and I want to celebrate that beauty. What poem did you resonate with and why? I Love Me. I Love Me. You want to read it? Yes. So I love my high heels, my Gucci and my LV. I love my Prada and other bags. I love walking barefoot. I love the feel of grass and the sun on my back. I love conversing over wine. That's very much me. So me, man. Yes. I'll be doing this soon. Exactly. I love talking to my Baba Divine. It's beautiful. मैं हर खास मौके पे बहुत खुश होती हूँ और आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को हर जगह दिख जाती हूँ. नॉट हर जगह बट स्पेशल हर जगह मतलब स्पेशली मतलब वो समझ लो आप. अब एक्चुअली हर जगह तो नहीं जा सकते. बहुत खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा. हर्षा जी आज साड़ी में दिखाई दे रहे हो, क्या स्पेशल है आज और क्या कहना चाहेंगे कॉस्ट्यूम के बारे में? मैं निरुषा जी ने ये डिज़ाइन किया हुआ है और उन्हीं की चीज़ें हैं मतलब उन्हीं के ड्रेसेस रहते हैं ज़्यादातर मैं जो वेयर करती हूँ और वो मुझे बड़ा इंडियन लुक देना चाहती हूँ हमेशा से, क्योंकि आपने बिग बॉस में मुझे हमेशा 90s में देखा होगा, इसमें देखा होगा, तो इन्होंने मेरी पूरी इमेज ही चेंज कर दी. निरुषा जी क्या कहना चाहेंगे, क्या थॉट प्रोसेस रहता है जब आरशी को कोई डिज़ाइन? अगर आपने इसको आज रजिस्टर किया है तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, मतलब रजिस्टर हो चुका है ना. वो अपने आप में बहुत ग्लैमरस, खूबसूरत इंडियन ऑलरेडी है, बस उसको थोड़ा सा एनहांस करने के लिए. एंड आई एम द लकी वन, बोथ ऑफ माय फ्रेंड्स आर वेयरिंग टुडे निरुषा. आई एम द लकी वन एक्चुअली. आई लव व्हाट आई एम वेयरिंग. निरुषा डिडंट इवन लेट मी चूज व्हाट आई वाज सपोज्ड टू वेयर. शी सेड शानिया मैं डिजाइन कर रही हूं एंड इट जस्ट फिटेड मी राइट, नो ऑल्टरेशन. आई लव इट एंड इट्स अमेजिंग. थैंक यू निरुषा. और मुझसे बोलती है साड़ी पहनेगी? हाँ मतलब अब वो इसकी साड़ी भी मुझे नहीं पता क्या पहनेगी. मैं इसको भी कभी नहीं बताती यार, नेवर एवर क्या कलर भेज रही हूँ, कौन से कपड़े भेज रही हूँ. एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि दैट दिस गाइस हैव सो मच ऑफ अ ट्रस्ट, यू नो, इट्स मेक्स योर वर्क इजी. अरे यार निरुषा ने बस No, I would like to thank both of you for coming, even Shania especially, for showing so much support, so much love to a newcomer. Thank you so much. I really appreciate it. I would like to say Jitesh, sorry to cut you, Jitesh. मैंने जितेश का स्टाफ देखा है, पिछले एग्जीबिशन में भी देखा था एंड देखा जो अभी स्पेशली शानिया कलेक्शन जो उन्होंने लॉन्च किया है और द वन शी इज़ वेयरिंग. सी डायमंड, व्हेन इट कम्स टू अ नेम डायमंड, इट्स ऑलरेडी एसोसिएटेड विद द हाई, यू नो, हाई एंड ज्वेलरी, अपर क्लास पीपल, पेज थ्री पीपल आर नॉन अफोर्डेबल, यू नो, द मोमेंट इट कम डायमंड तो वो एकदम से ऐसा हो जाता है. तो फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ द ज्वेलरी, द आर्ट क्राफ्ट, द डायमंड्स, द क्वालिटी, द शाइन एंड स्पेशली द अफोर्डेबिलिटी इज द USP ऑफ द डायमंड. बिकॉज डायमंड व्हेन इट कम्स, मुझे भी दो बार ही सोचना पड़ता है, नो मैटर हम ले डायमंड खरीदने के पहले. पर जितेश की ज्वेलरी जब मैंने देखी, मुझे लगा दिस इज द वन ही कैन टारगेट. इवन द मिडिल क्लास पीपल कैन अफोर्ड, अ लोअर मिडिल क्लास पीपल इवन. इन फैक्ट when the earring is coming like a, you know, in bugs earrings are coming, diamond earrings, who doesn't want to buy? Thank everybody you so much. Sorry you so to much. Cut Nirusha, but I will say the same thing for Nirusha's collection. You know, if you go to big designers and you know, you get the same thing for a crazy price. I mean, these are so affordable and, you know, most importantly that we are supporting the khadi and the Indian heritage. So I think Nirusha, the same thing goes for you. Uske liye to hum sabhi inko karne wale hain support. Thank you guys. Big support. So much of love. मैं सभी तरीके की करती हूँ जो मुझे स्पॉन्सर कर दे. मुझे वो ही चीज़ पसंद है जो आराम से मिल जाए. अगर इससे अलग थोड़ी बात की जाए तो आजकल टीवी पे बहुत कुछ चल रहा है कपिल के ऊपर जी. देखिए कपिल के लिए मैं यही कहूँगी कि उनकी गलती थी और जो भी उन्होंने किया, लेकिन थोड़ा सा मीडिया को भी समझना चाहिए क्योंकि इंसान कभी कभी बहुत ही ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है, घर की टेंशन रहती है, फैमिली प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो हो सकता है गलती हुई है, लेकिन आप लोगों को भी थोड़ी रियायत बरतनी चाहिए. थैंक यू सो मच.
तो आपकी कुछ बात हुई है कपिल से, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें या फिर फ्यूचर में कोई प्लान है कपिल के साथ काम करना? हाँ, मैं ज़रूर इंशाल्लाह कपिल के साथ, कौन काम नहीं करना चाहेगा उनको, यहाँ नहीं बाहर भी बहुत लोग जानते हैं और इतने बड़े कॉमेडियन हैं, तो बिल्कुल ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मैं एक किसी को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, आरती मैडम यहाँ पे देखिए। Just look here, ma'am. आरती इंडिया की वन ऑफ द टॉप वुमेन है, इवेंट कंपनी जो बहुत बड़ी इवेंट कंपनी मोमेंटम प्राइवेट लिमिटेड चलाती हैं, और बहुत जल्दी अच्छी एक इवेंट करने वाली है और मैं इनके साथ इवेंट करने वाली हूँ, और ये बहुत जितनी ज़्यादा दिखनी खूबसूरत है उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी है और गाना बहुत अच्छा गाती है, मतलब अभी तक हमारा बड़ा मज़ेदार होने वाली है चीज़ें इंडिया के वन ऑफ द बिग अवार्ड्स आईफा से लेकर के और राजीव गांधी अवार्ड से लेकर के सारे बड़े सारे अवार्ड में ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आने वाली इनवाइट करने वाली। सो अभी अर्शी आने वाले जितने भी इनके बड़े शोज हैं और अवार्ड्स हैं उनका बहुत बड़ा इंशाल्लाह इंशाल्लाह शी इज अ ग्रेट लीडर। आप भी कुछ बोल दीजिए अपने बारे में, बस आप इतने दिग्गजों ने सब कुछ बोल दिया, आई थिंक वी आर एट अ अमेजिंग इवेंट हियर। दिग्गज वो होते जो ऑफ कैमरा रहते हैं सही मायने में, ओके मैम, थैंक्स मैम, डन डन। सूरज ब्यूटीफुल, सो 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 ब्यूटीफुल, यू लकी गर्ल। अरे रोशन बा, लाइट आ रही है आपकी, स्कूल लाइट आ रही है यार। आई डोंट थिंक एनीवन वांट्स अस टू कट दैट केक, हु वांट्स टू टेक द बुक होम, लाइक हां केक कट इट।
Shabby, and I'm gonna give the count of love, life, and everything in between. Go! What's in between? I hope it's chocolate. Yes. I don't think these kids are half as excited as I am. So that means I think she has an agenda. Thank you so much. आगे क्यों जा रहे हो यार? Congratulations, Sonali, and thank you everyone. May I please request this wonderful gentleman to play his guitar and his music. What's your name? Siegfried. Siegfried. Siegfried, go for it. चलो कट।